अब अकबर को गुजरात जाना है, अब बीच में राजस्थान, और राजपूत तलवार लेके खड़े हैं कि पहले हमसे लड़ो। तो अकबर ने बीरबल से कहा कि यार क्या चाहिए इनको, ये क्यों परेशान करते भाई। बोले सरकार इनको कुछ नहीं चाहिए, इनको दो चीज चाहिए, एक इज्जत चाहिए, इज्जत सम्मान। हाँ बोले दे दो, बोरे में भर के दे दो, बोरा ले आओ खूब सम्मान भर के दे दो। भाई सम्मान किसी को देने में कौन सा पैसा खर्चा होता है, और दुनिया में लोग वो काम करते भी डरते जिसमें पैसा नहीं खर्चा होता। सम्मान क्या दे दो, सम्मान। बोला दूसरा क्या चाहिए। बोले दूसरा साहब ये लड़ना चाहते हैं। अरे बोले बहुत अच्छा यार, इनको अपॉइंट करो, गवर्नर बनाओ काबुल का। तो मानसिंह कहां के गवर्नर, काबुल के। अब एक खतरनाक अफगानी और दूसरा खतरनाक राजपूत, दोनों लड़ रहे हैं। अकबर दरबार में बैठा हुआ है, अनारकली डांस कर रही है, बाहर है आज पैगामे मोहब्बत लेके आई। इसको बोलते हैं समझ। और जिसको भी मालिक ने समझदारी दी, ईमान दिया, उसको तो उसने पता नहीं कहां से कहां पहुंचा दिया। तो पंडित महेश दास अकबर के दरबार में आए, बाद में बीरबल बने। तो अकबर के दरबारियों को बहुत बुरा लगा, कह रहे हम लोग शाही खानदान के लोग, ये आम आदमी इसको कहां से उठा लाए, ये नहीं बैठेगा दरबार में। तो जब महेश दास को अकबर ने कहा कि हम अपने दरबार में लेंगे, दरबारियों ने बड़ा विरोध किया, यार बिल्कुल नहीं। अकबर को पता था कि आदमी बड़ा काबिल है ये। तो अकबर ने कहा कोई रास्ता तो निकालो यार, कोई कंडीशन तो रखो। तो एक बड़े आलिम बैठे हुए थे, मुल्ला दो प्याजा, बड़े पढ़े लिखे आलिम टाइप के आदमी। उन्होंने कहा शहंशाह एक ही शर्त है, हम अकबर को एक ही शर्त पे अंदर आने, इसको महेश को एक ही शर्त पे अंदर आने देंगे। अकबर ने कहा क्या। बोले अगर ये मेरे सवाल का जवाब दे दे हम इसे बुला ले अंदर। अकबर ने देखा महेश दास की तरफ, बोले शर्त मंजूर है। बोले हां साहब मंजूर है। तो अकबर ने कहा कि मौलाना साहब पूछिए। तो मौलाना साहब ने महेश दास से कहा कि बताओ मेरे मन में क्या चल रहा है। अब मैं कैसे बताऊं तुम्हारे मन में क्या चल रहा है। पर बीरबल ने कहा कि सरकार मुझे पता है आपके मन में क्या चल रहा है, आप चाहते हैं कि शहंशाह अमर हो जाए, आप चाहते हैं कि शहंशाह की जो हुकूमत है वो पूरी दुनिया पे फैल जाए, आप चाहते हैं कि दुनिया की जितनी खूबसूरत औरतें शहंशाह की सबसे शादी हो जाए। मौलाना साहब तो हंसने लगे। अकबर ने पलट के देखा, कहा मौलाना साहब। बोले सरकार बस यही बातें सोच रहा था सरकार। इसको बोलते हैं समझ। ये पहला मंत्र है सफलता का, पढ़ना नहीं है,